नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे लहसुन और उसके तांत्रिक और औषधीय प्रयोगों के बारे में, क्योंकि लहसुन सभी जानते हैं और साधारण जनता के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाली औषधि है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जाए लोग नहीं जानते ज़्यादातर। तो पहले तो इसका परिचय जान लीजिए कि लहसुन जो है प्याज कुल की जो है एक प्रजाति है, जिसका नाम है एलियम सेटिवम। इसके करीबी रिश्तेदारों में आप जो है प्याज को और शामिल कर सकते हैं, और बहुत ही पुराने समय से जो है इसका खाना बनाने में और औषधीय प्रयोगों में इसका इस्तेमाल होता रहा है। इसकी गंध जो होती तीखी सी होती है, स्वाद भी तीखा सा होता है और एक गांठ के जैसा होता है ये, और लगभग सभी ने देखा है। इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी ने देखा ना हो इसे। ये रासायनिक तौर पर इसमें जो है गंधक की जो है अधिकता होती है, और इसे पीसने पर एलिसिन नाम के यौगिक जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। इसमें प्रोटीन, एंजाइम और विटामिन बी, सेपोनिन वगैरह के इत्यादि पदार्थ जो हैं प्राप्त किए जाते हैं। रसोई में तो लहसुन का महत्व अत्यधिक है, और भारत और चीन दोनों में ही इसका जो है उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इसमें जो है प्रोटीन, वसा, कार्बोस और लोहा, ए बी सी विटामिनों में सल्फ्यूरिक एसिड और विशेष रूप से एलोसिन पाया जाता है। अच्छा, संस्कृत में लहसुन को लहसुन कहते हैं, महाकंद भी कहते हैं, अरिष्ट कहते हैं, रसीन कहते हैं, महौषधि, मलिक्षा कंद, उग्र गंध इत्यादि नामों से इसको जो है जाना जाता है। ये कोई महसूस जो हमारे यहाँ जो अत्यधिक प्रसिद्ध वस्तु के रूप में, भोजन में मसाले के रूप में ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो है पौधा बिल्कुल जैसे प्याज होता है उसी तरह का गठन में होता है, और जमीन के अंदर प्याज की तरह से ही स्थित होता है। रंग में तो सफेद होता ही, आपको पता ही है। अगर हम भगवान शिव के इसमें वो दौड़े जाए तो उनके अनुसार जो उन्होंने जो है इसका जो है इसको सिद्ध करने का जो मंत्र दिया है, पहले उसकी बात कर लें, फिर उसके बाद बताएंगे भगवान शिव ने इसके बारे में क्या क्या कहा है। तो इनका जो मंत्र है वो है ओम जूं लहसुन शोधनम, ओम जूं लहसुन शोधनम। तो ये उनका मंत्र दिया था, और इस मंत्र को आपको 21 बार पढ़ के जो है मरीज को देना है, और किन किन प्रकार देना है, किस प्रकार देना है, भगवान शिव ने उसके बारे में क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो क्या करना है कि लहसुन की जो लुगदी होती है उसे सिद्ध किए हुए तेल का सेवन करने से और उसका जो मालिश करने से जो है वात संबंधी जितने रोग होते हैं, वात मतलब वायु संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो मिट जाते हैं। विषम ज्वर में भी जो है इसका सेवन करने से आपको लाभ होगा। विषम ज्वर मतलब होता है पुराना ज्वर, जो यानी काफ़ी पुराना बुखार हो चुका हो। जो लहसुन के जो है एक तोला रस में अगर गाय का एक तोला घी मिलाकर अगर आप जो है रोगी को देंगे तो उसका जो है आम वात जो है वो मिट जाएगा। लहसुन को आमचूर के साथ जो है आप अगर पीस करके देंगे तो अगर किसी को किसी जीव ने काट लिया हो या विष हो गया हो, जैसे बिच्छू है, तो उसका जो है विष जो है वो उतर जाता है इसे। लहसुन को अगर सिरके में पीसकर कुत्ते की काटी हुई जगह पर अगर आप लगाएंगे तो लहसुन का सेवन करेंगे तो पागल कुत्ते का जो है विष जो है इससे उतरता है। तो अगर
जल्दबाजी में अगर किसी कुत्ते ने काट लिया हो तो इसका प्रयोग अवश्य कर लें, जिससे जो है आपको डॉक्टर के पास जाने से पहले उसका इलाज जो है आपका जो घरेलू उपचार हो सके। लहसुन का पाक बनाकर खाने से लकवा में भी जो है लाभ होता है। लहसुन के तेल की जो है मालिश करने से गठिया और त्वचा की जो है शून्यता जो है वो मिटती है। लहसुन की कली को पीस कर अगर आप कनपटी जो होती है उस पर लगाएं तो आधा शीशी और उसके सम जो मस्तिष्क के जो रोग हैं वो है, यानी जो आपके माथे के जितने भी रोग हैं वो जो है मिटेंगे। जैसे आधा शीशी का मतलब होता है आधे सिर में दर्द होना। तो इसी प्रकार एक और विधि उन्होंने बताई कि राई के जो तेल होता है उसमें लहसुन की कलियों को तल कर उस तेल का मर्दन करने से खुजली और दूसरे प्रकार के जितने भी आपके त्वचा की जो डिजीजेज हैं यानी कि चर्म रोग जो है वो उससे जो है आपके मिटते हैं। लहसुन के रस को गर्म जल के साथ लेने से जो है आपका दमा अगर आपको हो रखा है तो उसमें निश्चित रूप से आपको प्रॉफिट होता है, फायदा होता है। बच्चों को इसकी जो छिली हुई कलियों की जो है माला पहनाने से बच्चों की छाती पर और इसकी तेल की मालिश करने से जो हुपिंग कफ होता है और जो दूसरी तरह की जो खांसियां हैं उनमें लाभ जरूर मिलता है। लहसुन की दो कलियों को सवा तोले तिल्ली के तेल में अगर आप तलकर उसकी एक दो बूंद जो है कान में टपकाएं तो कुछ दिनों बाद जो है कान का जो बहरापन है वो खत्म होने लग जाता है। लहसुन की कली को कम जो है नमक के साथ आप जो है पीस कर उसका पुल्टिस बांधने से चोट और मरोड़ इत्यादि में जो है अगर चोट वगैरह लग गई हो, मरोड़ वगैरह हो गई तो वहाँ पर बांधेंगे तो लाभ होगा। इसी प्रकार यही पुल्टिस अगर आप गठिया में भी बांधते हैं तो गठिया के लिए भी ये भी रामबाण इलाज की तरह काम करता है। जिन फोड़ों में कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे कोई फोड़ा है और उसमें कीड़ा पड़ गया है तो उस पर लहसुन लगाने से वे अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे करके। लहसुन को जो है सिरके में अगर आप भिगोकर खाएं तो दुखते हुए जो गले की जो ढीली पड़ी हुई रगों का जो है संकोचन होता है और जो नाड़ियों का ढीलापन है वो जो है इससे खत्म हो जाता है। लहसुन का प्रयोग करने से बार बार आने वाला ज्वर जो है वो खत्म हो जाता है। अगर बार बार आपको बुखार आता है तो लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। शीत ज्वर के शीत को मिटाने के लिए इसके तेल की जो है मात्रा दी जानी चाहिए किसी को भी रोगी को। और अगर आपको गठिया है तो एक प्रयोग मेरे भाई ने खुद किया था तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि लहसुन की जो है तीन चार आड़ियाँ, गठिया के लिए बता रहा हूँ, तीन चार आड़ियाँ ले लीजिए और उसे जो है गर्म दूध के साथ आपको सेवन करना है। याद रखिए कि स्वयं में जो लहसुन होता है वो बहुत काफ़ी गर्म होता है, इसलिए एक सावधानी भी आपको बरतनी चाहिए। मैं उसके बारे में बताता हूँ कि लहसुन का जब आप कभी बाहरी प्रयोग कर रहे हैं तो इसका हमेशा आपको ध्यान देना है कि एक ये जो है बहुत तीव्र जलन वाली चर्मदाहक वस्तु है। इसके जो है लेप को अधिक समय तक अगर आप शरीर पर रखेंगे तो छाला बन जाएगा उस जगह पर और काफ़ी वेदना भी होगी। इसलिए कोमल स्वभाव वालों पर इसका लेप, एक तो जिनकी त्वचाएँ कोमल है उनको जो है सावधानी से इसका लेप करना चाहिए और दूसरा है ज़्यादा देर तक इस चीज़ों को नहीं बांधना चाहिए। इसका फायदा जो है नहीं मिलता है बल्कि नुकसान ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अत्यधिक गर्म स्वभाव का जो है ये होता है। और बाकी जो है आप जान सकते हैं आयुर्वेद में तो लहसुन को जो है पांच रसों से युक्त कहा गया है। इसकी जो जड़ होती है वो चड़पड़ी होती है, पत्ते जो उसके कड़वे होते हैं, नाल जो होती है कसैली होती है, नाल के अगले भाग में लवण रस और बीजों में कहते हैं मधुर रस होता है, इसमें अम्ल रस जो होता है नहीं होता है। लहसुन स्वभाव से जो है उष्ण माना जाता है, ये पौष्टिक होता है, कामोद्दीपक होता है और मतलब अगर आप जिस तरह से वो मैंने भी बताया था प्रयोग जो आप इसमें गठिया में करें अगर वो प्रयोग आप स्वयं करते हैं तो आपके शरीर में इतनी ऊर्जा भी आ जाएगी कि अत्यधिक मात्रा में आपके शरीर में वीर्य उत्पन्न होगा। अधिक मात्रा में वीर्य उत्पन्न होने की वजह से जो है आप काम में काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। ये जो है आपके टूटी हड्डियों को जोड़ने में भी जो है काफ़ी मदद करता है और हृदय रोग होता है जैसे जीर्ण स्वर ज्वर है, कब्ज है,
वायुगोला है, खांसी है, सूजन है, बवासीर है, कोढ़ है, मंदाग्नि है, कृमि है, वात है, कफ रोगों, कफ रोग में तो खास तौर से क्योंकि गर्म औषधि है, गर्मी समझ, इसीलिए मसालों में जब इसको मिला लिया जाता है तो काफ़ी फायदा होता है। और कहते भी हैं कि अगर किसी को मांस खाने की आदत है और ज़्यादा मांस अगर खाता है तो उसे लहसुन का प्रयोग बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि लहसुन के प्रयोग से जो मांस से प्राप्त होने वाले जो दुर्गुण हैं या जो भी नुकसान होने वाले हैं मांस को ज़्यादा खाने से, उनको जो है लहसुन जो है आपका अवश्य ही रोक देगा। तो इस प्रकार से ये विवरण था और भगवान शिव ने जो जो कहा है वो मैंने आपको बताया। तो आपको क्या करना है, जो मंत्र मैंने बताया उस मंत्र को जपते हुए 21 बार और उसके बाद उसको जो है फूंक करके वो औषधि जो है आपको उस विशेष रोग के लिए व्यक्ति को देनी है। इससे आपको जो है निश्चित रूप से उसको जो है फायदा होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो, यही कामना है मेरी। धन्यवाद।